अगर करें रिलीजियस के हवाले से जो एक बैकबोन रहता है डिपार्टमेंट में, लेकिन बात अगर करें टंगमर्ग जोन की तो 132 रेलवे जो है, लेकिन बताया ये भी जाता है कि सिर्फ 12 लोगों की सैलरी मिलती है और वही सैलरी 132 में डिवाइड हो रही है, क्या कहना है आपका इस हवाले से? दिल वेजेस का मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कई जगहों पे। I'm Junaid Ahmed Dar from Kusturon Public School Khar. ये जो आप इसके हाथ में बैनर देख रहे हैं, इस पर यहाँ लिखा है फॉरेस्ट फायर और एक पेड़ बना है जो कह रहा है सेव मी सेव लाइफ, तो इसका मतलब क्या होता है? तरीका था काम करने का, लेकिन आज जो है जो हम काम कर रहे हैं इट इज फॉर द पीपल, ये सिर्फ लोगों की प्रॉस्पेरिटी, और इस बार हमने इस साल इसमें जो प्रपोज किया है और इसमें जो हम बनाएंगे हम जी आज हम यहाँ आए हैं विंटर प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए, और हमारा जो इसका मेन मकसद है प्लांटेशन तो हम करते ही रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसको हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना दिखाना और लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाना। जी प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ हम रेगुलर प्लांटिंग एक्टिविटी हमारी बहुत लार्ज स्केल पे चल रही है। अगर हम देखें तो जो हम 2018-19 तक 5,000-6,000 हेक्टर एरिया हम साल में ट्रीट करते थे, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे उसको हम रिहैबिलिटेट करते थे, आज हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई है। आज हम करीब 18,000 हेक्टर जो है एक साल में ट्रीट कर रहे हैं, और हम बहुत ही जल्दी कुछ ही सालों में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है हम आप सबके कोऑपरेशन से, पब्लिक के कोऑपरेशन से हम पूरी तरह रीस्टॉक कर देंगे, पूरी तरह रिहैबिलिटेट कर देंगे, तो हमारा प्लान है। कितने पेड़ सभी लगने जा रहे हैं 24 में, और जो एरियाज है आपका जो जी कवर होने जा रहे हैं 24 में? मैं कैंपा का बताऊं, कैंपा जो मेन हमारी फंडिंग स्कीम है और जो जिसमें जिसके तहत मैक्सिमम प्लांटिंग हो रही है, उसमें अकेले ही हम करीब 1 करोड़ प्लांट हम लगा रहे हैं इस साल में, और अगले साल और इसका स्केल बढ़ने वाला है, हमारी प्लान्स बन रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, और हम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास प्लांट लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। बात अगर करें रेलवेजर्स के हवाले से जो एक बैकबोन रहता है डिपार्टमेंट में, लेकिन बात अगर करें टंगमर्ग जोन की तो 132 रेलवेजर्स है, लेकिन बताया ये भी जाता है कि सिर्फ 12 लोगों की सैलरी मिलती है और वही सैलरी 132 में डिवाइड हो रही है, क्या कहना है आपका इस हवाले से? दिल वेजेस का मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कई जगहों पे। इसका जो रूल्स हैं, कैफ रूल्स हैं, कॉम्पेंसेटरी फंड रूल्स है, उसमें कुछ बनाया हुआ है, प्रोविजन है उसका कि कितना पैसा आप डेली वेजर पर कैजुअल वॉच एंड वार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर खर्च कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक जब से नया एक्ट आया है, नए रूल्स आए हैं 2019 से, तब से वो हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। हालाँकि फंडिंग का लेवल हमने कम नहीं किया है, जो फंडिंग 2018-19 के पहले होती थी उससे हमने बढ़ाई है, लेकिन ये जरूर है कि मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं है, मनी पे एक लिमिट है और हर डिवीज़न को पता होता है वो कितना खर्च कर सकता है, तो उसके तहत ही अपनी प्लान बनाता है और हम फंड रिलीज करते हैं। जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आपकी ज़रूरतों को देख के हम अपनी जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसमें हम आपकी ज़रूरतें, फॉर्डर की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत है, आपकी टिम्बर स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। आज हमने नया फोकस दिया हुआ चीज़ों को पानी को लेकर के, जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं हम उसको इंपाउंड करके हम वाटर रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, हम छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स भी बना रहे हैं सो दैट गाँव के लोगों को पानी मिले। तो हम बेसिकली हमारा पूरा ओरिएंटेशन पब्लिक के लिए है, और पब्लिक जितना हमें कोऑपरेट करेगी उतना हम जल्दी अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन अब जो नई सोच है उसमें हम पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक को जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो जरूरत है फॉर्डर की उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है? और जो फॉर्डर यहाँ से मिलता था उसका मेनी मेनी टाइम्स आपको फॉर्डर मिलेगा,
ठीक है, इसमें हम ग्रास स्पीसीज लगाएंगे, इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स नेचर, क्योंकि नेचर अगर हमें सारा कुछ दे रहा है 90s की वजह से या पिछले 10-30 सालों की वजह से आए हैं कि ये लोगों के साथ मिलके यहाँ पे हम लोगों के साथ मिलके ये प्लांटेशन ड्राइव करें। और जो आज हमने की उसी कैंपा जो हमारे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल रखें।